करेंगे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए केवल एक कदम उठाने की जरूरत है और वो है हिम्मत का कदम। और हिम्मत का एक कदम आप उठाइए, ऊपर वाला आपके लिए हजार कदम उठाने को तैयार हो जाएगा। हम ही को भूल चुके हैं, तुम्ही को भूल चुके हो, तो जब हमारे भीतर ही हिम्मत नहीं रही एक कदम आगे बढ़ाने का, जब हमारे भीतर ही एक कदम नहीं है आगे बढ़ाने का, तो वो हमारे साथ 1000 कदम कैसे आगे बढ़ा पाएगा। वही व्यक्ति हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाता है जिसने ये सकारात्मक दो बीज अपने भीतर बो दिए, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं पावरफुल आत्मा हूं और मैं ईश्वर की कृपा के सानिध्य में हूं। जरा सोचो, एक बच्चा मम्मी पापा के साथ जाता है तो डरता है क्या? कोई बच्चा अगर मम्मी पापा के साथ जाएगा तो डरेगा? एक मेले में पापा जा रहे थे, भीड़ ज्यादा थी तो पिता ने अपनी पुत्री से कहा कि बिटिया जरा मेरे करीब आ जाओ और मेरा हाथ पकड़ लो। क्या कहा? कहानी बहुत मनोवैज्ञानिक है, दो लाइन की कहानी है, सब लोग समझ लो। उसने क्या कहा? पापा ने क्या कहा? बेटा मेरी अंगुली पकड़ लो। बिटिया ने कहा, नहीं नहीं पापा, आप भी ये अंगुली पकड़ लीजिए। बिटिया ने जब कहा कि नहीं नहीं पापा, आप मेरी अंगुली पकड़ लीजिए, तो पापा चौंका। पापा ने कहा, बेटा इसमें क्या फर्क पड़ता है, मैंने तुम्हारी अंगुली पकड़ी कि तुमने मेरी अंगुली पकड़ी, इसमें फर्क क्या पड़ता है? बिटिया ने कहा, पापा इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, अगर मैंने आपकी अंगुली पकड़ी और भीड़ का धक्का लगा तो छूट जाएगा, पर पापा अगर आपने मेरी अंगुली पकड़ ली तो कितना भी धक्का लग जाए पर आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। हम सब लोग ईश्वर के सानिध्य में हैं और ईश्वर हम सब लोगों की माँ है, हम सब लोगों का पिता है। क्यों ये विश्वास भीतर जगाने की जरूरत है? वो हमारा पिता है, वो हमारा फादर है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर से क्या मांगना, अरे भाई क्यों ना मांगे, वो हमारा पिता है, हमारी माँ है, हक है हमें उससे कुछ भी मांगने का, हमें हक है उसको चार बात कहने की। हमारे भीतर हमें हक है क्योंकि वो हमारा मम्मी है, वो हमारा पापा है। जैसे हम हमारे मम्मी पापा से कुछ भी कह सकते हैं, वैसे ईश्वर से भी हम कुछ भी कह सकते हैं। हम अपने मन की पीड़ाएं उनके सामने रख सकते हैं कि पापा प्लीज मेरा ये ध्यान रखो, मम्मी प्लीज मेरा ये ध्यान रखो, मम्मा मैं तो मेरे बलबूते काम कर ही रहा हूं, पर मुझे विश्वास है कि जिस दिन मैं हार जाऊंगा तब भी तुम मेरा जरूर साथ दे। अब उतार लो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए पर मैं हार नहीं मानूंगा। हारना कोई बुरी बात नहीं है, सड़क पर जो चले उसको ठोकर तो लगेगी, साइकिल जो चलाएगा तो उसके घुटने तो कभी ना कभी टूटेंगे, स्कूटर जो चलाएगा तो कहीं ना कहीं तो गिरेगा, कार अगर चलाओगे तो कहीं ना कहीं तो टक्कर लगेगी। अब अगर ये सोच लो कि कहीं कार से मुझे टक्कर ना लग जाए, भाई अगर ये डर मन में बिठाए रहोगे तो कभी भी अपनी मंजिलों को मकसूद नहीं कर पाओगे। आता ये मत कहो कि मुझे व्यापार करना नहीं आता, ये मत कहो कि मुझे पढ़ाई करनी नहीं आती, ये मत कहो कि मुझे सामयिक लेनी नहीं आती। मैं कहता हूं जिद करो, हिम्मत करो, जिद करो, आगे बढ़ो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। गीता के भगवान ने पूरी गीता में 100 बार ये बात कही है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, 100 बार ये बात कही है कि योग क्षेमं वहम्यहम्, मैं तुम्हारी योग क्षेम और कुशलता को वहन करता हूं, मैं तुम्हारा साथ देता हूं, तुम्हें केवल अपना कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। धर्म कोई भी क्यों ना हो, सभी धर्मों में एक बात तो कह दी गई, ईश्वर तुम्हारे ईश्वर हमारे साथ है, तो ये सोचना बंद कर दो कि कौन हमारे खिलाफ है। जब ये विश्वास जग गया कि ईश्वर मेरे साथ है तो ये सोचना बंद कर दो कि कौन हमारे खिलाफ है। अरे लोग तो तब हमारा साथ देने के लिए तैयार होंगे जब हम शिखर पर पहुंच जाएंगे, पर जब तक हम शिखर पर नहीं पहुंचेंगे तो यही लोग हमारी टांग खिंचाई करेंगे, पर जिस दिन हम शिखर को पहुंच जाएंगे यही सभी लोग हमें आदर्श मानते हुए पीछे पीछे हमारे आते चले जाएंगे, बोले कि अच्छा अच्छा देखो देखो उन्होंने ऐसा किया था तो अपन कर ही सकते हैं।
तुम्हें अगर मानना है तुम लोगों को मत मानो, तुम्हें अगर मानना है तो खुद को मानो, खुद की स्थापना करो, ऐसी स्थापना करो कि दूसरे तुम्हारा अनुसरण करते हुए चले पाए, हार नहीं मानेंगे। अपने सामने जिनके टेबल है वो टेबल लाओ, जिनके टेबल नहीं है वो कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी का हत्था अपने सामने लो और कुर्सी के हत्थे पर जोर से 3 बार मारकर बोलो, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। पता है लोग कैसे मारे? अरे भाई साहब ऐसे तो गर्मी में हवा की पंखी चलाओगे तो पंखी भी चलने वाली नहीं, उससे हवा नहीं। आशा और उम्मीदों से भरे हुए रहो। उदाहरण देता हूं, दूसरे एक और व्यक्ति का नाम याद आ रहा है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 1 बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार नहीं 9999 दफा असफलता अर्जित की। कोई व्यक्ति उसका नाम बता सकता है, उस महान वैज्ञानिक का नाम? वेरी गुड, बोलिए। वेरी गुड, एडिसन। उस व्यक्ति का नाम है एडिसन, जिसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने अपने जीवन में ये बल्ब का आविष्कार करना चाहा था, दूध या बल्ब का आविष्कार करना चाहा था, पर 9999 प्रयोगों पर भी मेरा बल्ब आविष्कृत नहीं हो पाया। सारे साथी छोड़कर चले गए, पत्नी छोड़कर चले गए, बच्चे छोड़कर चले गए और कहा कि ये तो जिद्दी है, पागल हो गए हैं। मैं कहूंगा जो भी आदमी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का पागलपन अपने में सवार कर लेगा, वही आदमी एडिसन की तरह 10,000वीं दफा में आखिर वो दूध या रोशनी का आविष्कार करने में सफल हो गया था। यहां जिद करो, हार मत मानो, आशा और उम्मीदों से अपने आप को भरा हुआ रखो। कभी मत सोचो मैं हीन हूं, कभी ये मत सोचो कि मैं हीन हूं, मैं छोटा हूं, मैं दीन हूं, मैं गरीब हूं। I am powerful soul। ये मत कहो मैं हीन हूं, ये मत कहो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कहो I can।